स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल पे। चलिए दोस्तों आज हम लोग देखते हैं फिर से टेंथ के मैथमेटिक्स बुक से एक प्रश्न लिया हूँ, ठीक है, जो कि सेमी है। शून्य ज्ञात कीजिए तथा शून्यकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, ठीक है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने शून्यक निकाला है और उनके बीच जो संबंध की सत्यता है उसका भी जाँच कर चुके हैं, ठीक है। और आज हमने प्रश्न लिया है द्विघात बहुपद का, बट ये मेरा है द्विपद, दो ही पद है, ठीक है। और इसके पहले वाले वीडियो में जो हमने बनाया था उसमें आपका तीन पद थे, जो कि क्वेश्चन था 4x² - 4x + 1। इस प्रश्न को हमने शून्य ज्ञात किया था, संबंध की सत्यता के लिए जांच की थी, बट यहाँ पर आप देखेंगे 1, 2, 3 इसमें तीन पद थे, ठीक है। तो तीन पद में अगर द्विघात हो तो उसे हम कैसे तोड़ रहे थे, सी और ए ये दोनों आपस में गुणा करने के बाद इस मिडिल टर्म को तोड़ देते थे। बट हमारे पास तो आज का क्वेश्चन उसमें हम कहते हैं कि दो ही पद है, मतलब ये और ये और ये पद, फर्स्ट और सेकेंड टर्म आपको यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। तो इसको आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले हम देखते हैं कि इसमें से ए बी और सी क्या क्या, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं द्विघात बहुपद का जनरल फॉर्म का क्या होता है, ax² + bx + c। इस बहुपद से अगर इसके अगर हम तुलना करें तो हम लोग पाते क्या है कि a बराबर आप देख सकते हैं a बराबर कितना है, तो 4 है। b बराबर आप देख सकते हैं कितना है, तो 1 है। और c बराबर कितना आता है, यहाँ कुछ नहीं, यानी 0, ठीक है। a, b, c हमें मैंने लिख लिया, ठीक है। अब चलिए देखते हैं हम लोग इसको शून्य कैसे याद करते हैं। पहले क्वेश्चन में लिख लेता हूँ। अब हमें क्या करना होगा, चूंकि यहाँ पर तीसरा पद हमें पता नहीं, यानी कॉन्स्टेंट पद नहीं, अचल पद प्राप्त नहीं, इसे हम लोग गुणा नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसमें हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। चलिए मैं कॉमन ले लेता हूँ, ये दोनों कॉमन आप देख सकते हैं, 4u यहाँ पे बच जाएगा मेरा क्या u, और यहाँ पे बच जाएगा मेरा 2, ठीक है। यानी 4x² + 8u का जो गुणनखंड हुआ वो मेरा ये निकल कर आया, 4u + u + 2, ठीक है। तो चलिए हम लोग सिंपली से शून्य ज्ञात कर लेते हैं। शून्य के बारे में क्या करना होता है, इन दो जो गुणनखंड है हमें 0 के बराबर करना होता है। पहले वैसे कर लेता हूँ, यानी u का जो वैल्यू निकल कर आया 0। इसी प्रकार अगर हम इसे करें तो इधर आ जाएगा -2। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि शून्य के बराबर निकल चुका, शून्य जो कि आया हमारा 0 और -2। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, शून्य जो निकल कर आया 0 और -2, ठीक है। ये मेरा हो गया शून्य ज्ञात कीजिए, शून्य निकल चुका। अब हम लोग को क्या करना, उनके संबंधों के बीच की सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच के लिए हम लोग पता है कि शून्यकों का जो जोड़फल होता है क्या होता है, -b/a, और शून्यकों का जो गुणनफल होता है क्या होता है, c/a, ठीक है। चलिए पहले हम देखते हैं शून्यकों का जोड़फल। शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल यानी जो हमें शून्य प्राप्त हो उसे हमको जोड़ लेना है। चलिए जोड़ लेता हूँ, 0 + -2, 0 + -2, इसे आप घटाएंगे तो प्राप्त हो जाएगा क्या, -2, ठीक है। अब इसके नीचे कुछ नहीं तो मेरा क्या है, 1 है, तो मैं इसके नीचे 1 दे देता हूँ। अब देखते हैं शून्य का जोड़फल क्या होता है, -b/a, इसका जो फॉर्मूला तो क्या होता है, -b/a ही होता है ना। तो यहाँ पर a आप देख सकते हैं 1 है, जबकि यहाँ पर a मेरे कितने 4 है, इसे हमें 4 में बदलने के लिए कितना शून्य करना होगा, 4 से गुणा करना होगा। तो चलिए मैं 4 से गुणा कर लेता हूँ, ये मेरा निकल कर आ जाएगा -8, और ये हो जाएगा 4, ठीक है। अब देखते हैं अगर यहाँ पे मेरा प्लस होता
तो इसे हम डबल माइनस के रूप में लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ देखते हैं मेरे क्या माइनस है, तो मैं इसे क्या कर लेता हूँ माइनस कॉमन कर लिए 8/4। हम देख सकते हैं 8 8 मेरा क्या है तो b है, और 4 मेरा क्या है तो a है, इसका मतलब a क्या हो गया है माइनस बी बाय ए, और माइनस बी बाय ए ही मेरा होता है क्या शून्य को बचोकर, जो कि है 4 0 है रूट। ठीक है, तो शून्य को का योगफल हो गया, देखते हैं शून्य को का गुणनफल। शून्य को का शून्य को गुणनफल क्या होता है सी बाई ए, हमें देखना होगा कि शून्य जो निकल कर आया उसका क्या करना होगा, गुणा करना होगा। चलिए देखते हैं गुणा करके 0 × -2 ये क्या हो जाएगा 0, और 0 में से कुछ भी तो हम 4 दे सकते हैं, चलो 4 दे देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि 0 मेरा क्या है, 0 मेरा है c, और a मेरा क्या है a 4 मेरा क्या है तो a है, जिसे मैं सिंपली लिख देता हूँ क्या c by a, और ये c by a मेरा क्या होता है शून्यकों का गुणनफल होता है, इससे मेरा ये जांच हो जाता है, लिख देता हूँ। तो इस प्रकार आप शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दोनों जांच कर सकते हैं, ये द्विपद जब दिया हो, ठीक है, द्विघात बहुपद का द्विपद। तो इस प्रकार इस प्रश्न का हम लोग हल कर सकते हैं। थैंक यू।